हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिवीजन ऑफ सेशन एंडिंग एग्जाम क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ एंड दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस रिवीजन। सो ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, लिसन इट and then try to solve all the such numericals your own way. Like it, share it and subscribe the channel. If not, first example is, first we have to define the perimeter. Here we are going to find out the meaning of perimeter. You know the meaning of perimeter. Now look here, what is the perimeter? In geometry, the perimeter of a shape is defined as the total length of its boundary. बच्चों यहां तक ही important है, क्या है ये? Is defined as the total length of its boundary. इतनी ही definition है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन द पेरीमीटर, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। इन ज्योमेट्री द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। बस इतना ही डेफिनेशन है, आगे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बच्चों द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिटरमाइंड बाय द एडिंग the length of all the sides and edges enclosing the shapes. बच्चों एकदम आसान है, पेरीमीटर का मतलब होता है जो बाउंड्री है, आउटर वॉल है, इनर से हमें कोई मतलब नहीं है। जितने भी आउटर वॉल्स हैं, जितने भी आउटर साइड हैं, उसको ऐड करना। क्या करना है उसको बच्चों? ऐड करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एडिशन करना है। चलिए हम एग्जांपल देखेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे कि पेरीमीटर क्या है। एकदम सिंपल एग्जांपल है बच्चों, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ देखेंगे बच्चा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 13 है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 13, और इसका हम बच्चों चेंज कर देंगे ये और ये, और इसको हम लिखेंगे 18 सेंटीमीटर, ठीक। और अब हम करेंगे एडिशन, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे शो करते हैं? कैपिटल पी से। सो पी इज इक्वल टू 13 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 9। देखिए कितने साइड है यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4, आगे चारों 13 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 9। इन सबको क्या करना है? हमें प्लस करना है। चलिए फटाफट एडिशन कर देते हैं, एकदम आसान एडिशन है बच्चों। ये कैसे करेंगे? 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 7 24, प्लस 3 27। तो हम बच्चों यहाँ लिखेंगे 7, कैरी आएगा 2। अब ऐड करो, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो इसका पेरीमीटर है बच्चों 47 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आएगा P इज इक्वल टू 47 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो यूनिट है, यूनिट आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क कट हो सकते हैं, है ना। सिंपल क्या करना था? पेरीमीटर मतलब जितनी साइड है, 1, 2, 3 और 4। हियर आर 4 साइड्स ऑफ दिस शेप एज गिवन, वी हैव एडेड ऑल दिस साइड्स एंड एडिशन ऑफ All the sides is nothing but a perimeter. जब हम सारे शेप्स को जितने साइड्स हैं उसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पेरीमीटर। चलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं, और एक ध्यान से देखेंगे कितने साइड्स हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा एक के बाद एक, और एडिशन करना पड़ेगा। तो पहला साइड है 11, दूसरा 11, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन 7, देन 8,
देन 15, देन 7 दो बार है, ये लीजिए। तो ये जितने 7 7 थे, 8 थे, उसके आगे 0 लिखा टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन अब चेक कर लेते हैं, फर्स्ट 11 देन 11 देन 7 देन 8 देन 15 देन 7 देन 7। सो वी हैव रिटन ऑल द साइड्स हियर, नाउ वी स्टार्ट द एडिशन। तो एडिशन बच्चों आपको अच्छे से आता ही है, स्टार्ट करें। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 7 34, 35, 36। तो यहाँ लिखूंगा मैं 36 के लिए 6, कैरी आया 3। अब हम वापस एडिशन करते हैं, 3, 4, 5 एंड 6। तो आंसर आ गया 66, पी इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। एक बार हम फिर डायरेक्ट एडिशन करके देखते हैं। बच्चों आप डायरेक्ट भी एडिशन कर सकते हैं, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 7 29, 29 प्लस 8 37, 37 प्लस 10 47 प्लस 5 52, देन 14, 52 प्लस 14 आ गया 66। तो हमारा आंसर सही है बच्चों। आप डायरेक्ट भी एडिशन कर सकते हैं और एक एक डिजिट का भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे या आप कर पाए। ये देखिए इसमें कैसे किया है, देखो ध्यान से जरा बच्चों। सेम पेरीमीटर ही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। हम लिखते जाएंगे, कितने साइड से पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम तो 6 आया। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा इसको, 5 6 30। 30 कैसे आया बच्चों देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 times 6 है ना, 5 times 6 है ना, तो 5 6 30। अब उसके नीचे 16 एंड देन 26, ये वाला एडिशन हमें आसान जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, 6 plus 6 12, 12 के लिए 2, देन कैरी आया 1। अब आगे 1 plus 2 3, 4, 4 plus 3 7। फाइनल आंसर इज पी इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, एडिशन करना है सारे साइड्स का। वी हैव टू ऐड द साइड्स, ऑल द साइड्स, ऑल द आउटर बाउंड्रीज, ऑल द आउटर बाउंड्रीज, एंड देन दैट इज कॉल्ड एज अ पेरीमीटर। बच्चों 1 सेंटीमीटर ग्रिड पे भी आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये और भी आसान होता है। तो हेडिंग पढ़िएगा, कैलकुलेट पेरीमीटर ऑन दिस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है, इसका मतलब है बच्चों एक साइड का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होता है। दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, इट मीन्स दैट द लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस इज 1 सेंटीमीटर, अगेन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस 1 सेंटीमीटर। नाउ वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, हम कहीं से भी स्टार्ट कर काउंट करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आउटर बाउंड्री लेना है। और जैसे कि आप ध्यान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ 1 then 2 then 3 then 4, इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं और इसका आंसर हमें लिखना है। एक बार फिर से काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसका आंसर है पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलते बच्चों और एक फिगर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो ब्लैक फिगर है उसका पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है और ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पे ही है। चलो स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, so its perimeter is 14 centimeter. It's very easy to calculate the perimeter
of the figure which is given on 1 centimeter square grid. बच्चों जो भी फिगर हमें 1 centimeter square grid में मिलेगी उसका कैलकुलेट करना, पेरीमीटर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है. बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. वीडियो में जितने न्यूमेरिकल्स दिए हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स में नोटबुक में मिलेंगे. उसके बार बार प्रैक्टिस करिए और एकदम एक्सपर्ट हो जाइए. ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए.